इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है, जहां नवनीत राणा भायखला जेल के लिए रवाना हो चुके हैं। नवनीत राणा को जेल ले जा रही है इस वक्त पुलिस। रवि राणा को तलोजा जेल भेजा जाएगा तो नवनीत राणा को भायखला जेल। दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत का निर्णय कोर्ट की तरफ से दिया गया था। सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में दोनों लोग मौजूद थे, जहां कोविड टेस्ट किया गया, कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसके बाद नवनीत राणा को भायखला जेल के लिए रवाना कर दिया गया, जबकि रवि राणा को तलोजा जेल भेजा जाएगा। और कुछ ही वक्त में रवि राणा को भी पुलिस तलोजा जेल के लिए लेकर के रवाना हो जाएगी। दोनों को अलग अलग जेल में रखा गया। एक बार फिर बता दें आपको कि जहां सांसद नवनीत राणा को भायखला जेल में रखा गया मुंबई की, तो रवि राणा को लेकर के कुछ ही वक्त में तलोजा जेल के लिए पुलिस रवाना होने वाली है। सांताक्रूज पुलिस स्टेशन से यह रवानगी होने वाली है। तस्वीरें जरा आप देखिए। तस्वीरें देख रहे हैं आप टाइम्स नाउ और नव भारत पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा, हनुमान चालीसा को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ था, जहां दोनों के ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें एक मुकदमा राजद्रोह का भी था। और उसी को लेकर के 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी गई कोर्ट की तरफ से। पुलिस कस्टडी न देते हुए 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी गई है। 29 तारीख को उनकी बेल पर सुनवाई होनी है। उससे पहले सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में नवनीत राणा और रवि राणा को रखा गया था। सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में दोनों का कोविड सैंपल भी भेजा गया, कोविड रिपोर्ट आने का इंतजार किया गया। उसके बाद कोविड रिपोर्ट जब दोनों की नेगेटिव आई, तो यह फैसला लिया गया कि तलोजा जेल रवि राणा और नवनीत राणा भायखला जेल।